ये देखें पूरा गंदा पानी अंदर आके बहुत मुश्किल हो गई थी। तो अब इसको डीप क्लीनिंग कर रहे हैं ताकि हमारा जो है पानी पाक साफ हो जाए, क्योंकि सारी बातें वजू करना होता है, नमाज पढ़नी होती है। ये बारिश के बाद की सूरत हाल है। देखिए हमारा और अंडरग्राउंड टैंक जो है पूरा गंदे पानी से भर गया, तो उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं। आपने देखा कि बारिशों ने तबाही मचा दी थी, तो हमारे घर में भी पानी अंदर आके अंडरग्राउंड टैंक में चला गया था। तो आज हम इसकी क्लीनिंग कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है लेकिन करना तो है, तो आप लोग मेरे साथ साथ रहिएगा। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पापा अंडरग्राउंड टैंक के अंदर है, सफाई कर रहे हैं पानी। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए अंडरग्राउंड ये हमारा अंडरग्राउंड टैंक है। देखें अभी भी ये तकरीबन 5.5 फीट का था, उसको हमने खाली किया है, किया है, किया है, किया है कि यहाँ तक, और तकरीबन 2 फीट हमें अंदर और जाना है। ये देखिए कितना बड़ा टैंक है। ओह, पहले ज़िंदगी में कभी भी हमने अपना अंडरग्राउंड टैंक देखा नहीं था, तो अब देखें कैसा लग रहा है। ये देखें पूरा गंदा पानी अंदर आके बहुत मुश्किल हो गई थी। तो अब इसको डीप क्लीनिंग कर रहे हैं ताकि हमारा जो है पानी पाक साफ हो जाए, क्योंकि सारी बातें वजू करना होता है, नमाज पढ़नी होती है। तो इस सूरत हाल में तो ये पानी हम यूज़ नहीं कर सकते। ये देखिए ये हमारे साथ हमारे भाई थे एहसान अली, इन्होंने भी काफ़ी हद सब पानी जाके, तो ये मेरे बड़े भाई आए, उन्होंने सही की। अब शुक्र है कि आधा पानी हमने मोटर से निकाला है, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा पानी था तो इस वजह से हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते थे। देखें ओह, कोशिश करते निकलने की। तो गाइस मुझे उम्मीद थी, सो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर आगा कीजिएगा, और ये दिन ये बारिश भी हमें बहुत याद रहेगी, स्पेशली ये जो डीप क्लीनिंग करनी पड़ रही है। तो आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा। ये थैंक यू, बाय बाय।